हाय गाइस, मेरा नाम तरनजीत सिंह है और मैं मैकेनिकल के प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूँ कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को ज़रूर करें। ये मेरा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो आपने चैनल पे देख लिया होगा। इस प्रोजेक्ट अब स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट के रिलेटेड ये प्रोजेक्ट है ऑटोमेटिक टायर इन्फ्लेशन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारी गाड़ी पंचर हो जाती है तो उस पंचर होने की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और इसका दूसरा मेन फ़ायदा क्या है कि आप जैसे कहीं गारे में, कीचड़ में कहीं टायर फंस जाता है तो वो हम आसानी से अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं विद हेल्प ऑफ इसके सेंस, जो अपना ये है टायर है उसकी हवा कम करके, वो होगा सेंसर की बदौलत। सेंसर से हमने जितनी हवा कम करनी है कम हो जाएगी और आराम से गाड़ी वहाँ से निकल जाएगी। तीसरा इसका फ़ायदा ये होता है कि हम अगर माल जैसे गर्मियों में टायर की हवा कम हो जाती है और ज़्यादा हो जाती है तो ये मॉनिटरिंग करेगा चारों टायर की कि किसमें कितनी रहनी चाहिए और किसमें कितनी रहनी चाहिए। जैसे अब बढ़ भी जाती है, कम भी जाती है, तो ये प्रेशर बैलेंस करके रखेगा जिससे हमारे टायर भी बचे रहेंगे और इंजन की जो एवरेज है वो भी बढ़िया रहेगी। इसमें मेन फंक्शन हमारे क्या क्या हैं, फ्रेम है, फ्रेम चार नट बोल्ट हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, ये चारों के चार खुल के डिसेंबल हो जाता है। यहाँ से भी इसके जो लेग्स हैं वो भी डिसेंबल हो जाती हैं। इसमें 12 वोल्ट की बैटरी है, 12 वोल्ट की बैटरी इस सारे प्रोजेक्ट को पावर सप्लाई का काम कर रही है। दूसरा ये 12 वोल्ट की मोटर है, चैन ड्राइव्स के थ्रू कनेक्ट होके आगे ये 12 वोल्ट की मोटर के 20 mm की शाफ्ट के साथ कनेक्ट हो रही है। एक एंड हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया चैन का, दूसरा वहाँ, और यहाँ 20 mm के बैरिंग है जो एक इधरली साइड है एक उधरली साइड है जो इसको अच्छी तरह घुमाने के काम आएंगे। और तीसरा टायर है, एक्टिवा का टायर है, ठीक है, एक्टिवा के टायर के बाद 12 वोल्ट का कंप्रेसर है, कंप्रेसर के बाद बज़र है। बज़र का काम यह है कि आपको जैसे आप गाड़ी के अंदर बैठे हों तो आपको इंडिकेशन दे दे कि उसमें टायर्स में हवा कम ज़्यादा हो रही है। उसके बाद आगे जो वो कोने पे लगा हुआ है वो सेंसर है। सेंसर का काम क्या होता है कि प्रेशर बैलेंस वर्क करके रखना होता है, बैलेंस इन द सेंस चारों टायरों में लगाना, तो चारों टायरों में बैलेंस। उसके बाद अभी हम एक टायर के लिए इसको शो कर रहे हैं तो ये एक टायर के लिए हमने सेंसर लगाया है। उधर आ जाती है वो जो कोने में है वो है हमारी प्रेशर सील। प्रेशर सील या इसको कह दो कि प्रेशर सील या टायर सील, ये दोनों कह के आप मार्केट से ले सकते हो। टायर सील के नाम से ज़्यादा मशहूर है ये, टायर सील हो जाएगी, ठीक है। और इसमें अगर किसी को ये प्रोजेक्ट चाहिए तो ये नंबर दे रखा है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके मैं से प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल सॉफ्ट कॉपी ले सकते हैं। और किसी को प्रोजेक्ट भी चाहिए ऑल ओवर इंडिया मैं सप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। और अब स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट को। अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो अभी आप वहाँ देखिएगा 0 bar pressure है, 0 bar pressure के बाद यहाँ से डिस्कनेक्ट है तो इसका इंडिकेशन जब ये 2 bar से प्लस जाएगा, 2 bar प्लस जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। स्विच ऑफ होने के बाद बीप भी तभी बंद होएगी जब इसमें पूरी प्रेशर हवा भरेगी। अभी मैं स्टार्ट करूँगा तो प्रेशर की बीप यानी कि बज़र सेंसर चलता रहेगा जब तक कि ये फुल नहीं हो जाता, टायर फुल नहीं हो जाता। अभी बस ये नेगेटिव की तार ऐसे लगाई, बीप की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। ये प्रोजेक्ट सारा स्टार्ट हो चुका है। स्टार्ट होने के बाद ये यहाँ पे 12 वोल्ट, उसके बाद प्रेशर सेंसर पे आप प्रेशर आते हैं, ये यहाँ पर अभी देखिए अब 2 bar से बढ़ता चला जा रहा है, 2 bar प्लस जाके ये कट ऑफ हो जाएगा। अब जाके कट ऑफ होना चाहिए इसको, ये हो गया।
इसमें क्या है कि इसका मेन काम सिर्फ एयर सप्लाई करना होता है टायर के अंदर। ये हमारा बजर जो मैंने आपको बताया है, अब बंद हो चुका ही है क्योंकि एयर फिल हो चुकी है। इसका मतलब हमारे चारों टायरों में हवा प्रॉपर है। तो थैंक यू गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू।